सुप्रभात बच्चों, मैं प्रकाश चंद्र पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानावत्ता उधम सिंह नगर, दसवीं कक्षा विषय संस्कृत से उसी के द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा नामक पाठ के अर्थ बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम देखिए श्लोक। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामनि अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। ठीक है, तो कहते हैं सा भामनी, सा मन वह भामनी महिला, निज बुद्ध्या, निज अपनी बुद्ध्या बुद्धि से व्याघ्रस्य भयात्, व्याघ्रस्य मन बाघ के, भयात भय से विमुक्ता मुक्त हो गई। तो इसका अर्थ हुआ वह भामनी अर्थात वह महिला वह स्त्री अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के कारण बाघ के भय से मुक्त हो गई। तो अन्योपि दूसरे भी, ठीक है, दूसरे भी कहते हैं लोग बुद्धिमान लोके, अन्योपि दूसरे भी लोके मन संसार में बुद्धिमान मन बुद्धिमान, तो दूसरे भी संसार में बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, महतो मन बड़े भयात भय से मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे भी संसार में बुद्धिमान लोग, ठीक है, बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलं व्याकुलं दृष्ट्वा, भयाकुलं का अर्थ होता है भय से व्याकुल, व्याघ्रं बाघ को दृष्ट्वा देखकर, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसनाह, कश्चित् कृषि धूर्तः भूर्त श्रृगालः गिदड़ ने हसन हंसते हुए आह कहा। क्या कहा? भवान कुतः भयात पलायतः, भवान मना आप, ठीक है, कुतः कहां से भयात डर से पलायतः भाग रहे हो, आप कहां से भय से भाग रहे हो। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुकः, गच्छ गच्छ मने जाओ जाओ जम्बुकः गीदड़, ठीक है, गच्छ गच्छ जम्बुकः जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि तुम ही किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर, ठीक है, तो क्या कहे त्वमपि तुम भी किंचित किसी गूढ़ स्थान, गूढ़ प्रदेशम का अर्थ होता है गुप्त स्थान पर। यतो व्याघ्र मारे की शास्त्रे सूयते, यतो मने जो व्याघ्र मारे की मने बाघों को मारने वाली, यतो जो व्याघ्र मारे की बाघों को मारने वाली शास्त्रे सूयते, शास्त्रों में, शास्त्र करता था शास्त्रों में, सूयते मने सुना था, ठीक है, जो बाघों को मारने वाले शास्त्रों में सुना था, तया तया हम हंतुम मारब्ध, तया मन वह मुझे, तया वह अहम मुझे हम तुम मारने के लिए आरब्ध आई, ठीक है, तया अहम वह मुझे हम तुम मारने के लिए आरब्ध आई, वह मुझे मारने के लिए आई। परम लेकिन जीवितो, परम लेकिन गृहित कर जीवितो, परम का अर्थ होता है लेकिन जीवित मन प्राणों को कर मन हथेली में गृहित मन लेकर के, लेकिन प्राणों को हथेली में लेकर के तत् अग्रतः उसके सामने से शीघ्र शीघ्र नष्ट, तत् अग्रतः मन उसके सामने से शीघ्र मन शीघ्र नष्ट मन भाग आया हूं। ठीक है, तो क्या कहते हैं लेकिन प्राणों को हथेली में लेकर के उसके सामने से शीघ्र भाग आया हूं। श्रीगालम
गीदड़। व्याघ्र हे बाल, त्वया तुमने महत कौतूहलम, महत मन महान, कौतूहलम मन आश्चर्य की बात आवेदितम मैंने कही है। ठीक है, तो गीदड़ क्या कहता है, व्याघ्र हे बाल, त्वया तुमने महत कौतूहलम महान आश्चर्य की बात आवेदितम कही है। यन मनुष्य मानुषादपि विभेसी, यन मन की मानुषादपि मन मनुष्य से भी, विभेसी मन डरते हो कि मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्रो वै कैकसो मामतुम कलहे मानो चपेतया प्रहरन्ति दृष्टा। तो कहता है प्रत्यक्ष में मन सामने ही, प्रत्यक्ष में बाघ क्या कहता है, प्रत्यक्ष में वो सामने ही मया मैंने सामने ही मैंने सात पुत्रों एक ही कसो। ठीक है, सात पुत्रों मैंने अपने दोनों पुत्रों को एक एक कसो मैंने एक एक कर। ठीक है, सात में अपने सात पुत्रों अपने पुत्रों को एक ही कसो मैंने एक एक कर मां तू मुझे खाने के लिए। ठीक है, एक एक कर मां तो मुझे खाने के लिए कलह मानो झगड़ा कर रहे। ठीक है, मुझे खाने के लिए झगड़ा कर रहे चपेतया, चपेतया का अर्थ होता है थप्पड़ से। ठीक है, चपेतया थप्पड़ से फहरंती मारते हुए दृष्टा देखा। जम्बुक गीदड़ स्वामी यथास्ते साधुता तत्र गम्यता। तो जम्बुक गीदड़ कहता है स्वामी हे स्वामी यथास्ते साधुता, कहता है साधुता यथास्ते सा मन वह धूर्ता मन धूर्त महिला यथास्ते जहां है। ठीक है, वह धूर्त महिला जहां है तत्र गम्यता वहां चली, तत्र वहां गम्यताम चली। ठीक है, तो क्या कहता है सा धूर्ता मन वह धूर्त महिला यत्राश्ते जहां है तत्र वहां गम्यताम चली, वहां चली। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, व्याघ्र हे बाघ तव तुम्हारे पुनः मन फिर। ठीक है, व्याघ्र का हे बाघ ताओ तुम्हारे पुनः फिर तत्र मन वहां गतस्य जाने जाने के सा सम्मुखम अपेक्षते, कहता यदि सा सम्मुखम अपेक्षते यदि वह सामने आ जाए, यदि का यदि सा मन वह सम्मुखम मन सामने अपेक्षते मन आ जाए या सामने दिखे। ठीक है, तरही त्वया अहम हंतव्यः, तरही मन तब त्वया तुम अहम मुझे हंतव्यः मार देना। ठीक है, तब तुम मुझे मार देना इति ऐसा। ठीक है, इसके बाद आपको बाद में बताया जाएगा।